खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, दिग्विजय सिंह को आतंकी कहने वाले बयान पर फंस गई हैं भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। दरअसल चुनाव आयोग ने उनके इस बयान पर संज्ञान ले लिया है और डीएम से रिपोर्ट मांगी है। एक बार फिर से मुश्किल में साध्वी प्रज्ञा सिंह, बता दें आपको, दिग्विजय को आतंकी कहने वाले उनके बयान पर उन पर मुश्किल इस लिहाज से कि डीएम से चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली है इस चुनाव के उनके दिए गए बयान के बाबत। क्या कहा था साध्वी ने अपनी जनसभा में दिग्विजय सिंह पर, सुनिए। आतंकी का समापन करने के लिए, फिर से ऐसा बेरोजगारी को बढ़ाने वाले लोगों के लिए एक फिर से सन्यासी को खड़ा होना पड़ा है। उमा दीदी ने हराया था 16 वर्षों पहले, तो 16 वर्ष में ये मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर पाया था कि राजनीति करने की कोशिश कर लेता, और अब फिर से जब उगा है तो एक दूसरी सन्यासी सामने आ गई है।